तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एच पी संस्कृत में साथियों पूर्व की भांति हम अभ्यास परीक्षा स्वरूप में हमारे संस्कृत विषय में जो टैट के लिए कमीशन के लिए नेट सेट इत्यादि के लिए जो प्रश्न इत्यादि पूछे जाते हैं उसी अभ्यास परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी हम इस दूसरे भाग को लेकर के उपस्थित हुए हैं साथ में आप भी इस प्रश्नावली को हल करिए यदि आपके किसी प्रकार के संशय रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर मुझसे किसी भी संपर्क सूत्र के रूप में आप मुझसे इन प्रश्नों के संदर्भ में पूछ सकते हैं समय समेना गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग की तरफ साथियों आप भी साथ साथ में इन प्रश्नों को हल करें यह आपके ही अभ्यास स्वरूप के लिए और आपकी परीक्षा की सुगमता के लिए इन प्रश्नों को अभी एच संस्कृत के माध्यम से आपके लिए एक अभ्यास स्वरूप प्रदान करवाया जा रहा है देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ पूछा गया है ऋत्विक कितने हैं तो साथियों ऋत्विकों की संख्या चार है अब ये चार कौन कौन से हैं तो होता अधभरयु उदगाता और ब्रह्मा साथियों ये चार ऋत्विक हैं अब इनके कार्य क्या क्या हैं और किस किस वेद के लिए हैं तो होता ये ऋग्वेद के लिए है अधभरयू ये यजुर्वेद के लिए है उद्गाता ये सामवेद के लिए है और ब्रह्मा अथर्ववेद के लिए है ये प्रश्न साथियों हर बार सामान्य स्वरूप में पूछे ही जाते हैं चाहे सरलता के रूप में इन प्रश्नों को ले लीजिए क्योंकि कभी भी परीक्षा का स्तर सरल से कठिन की ओर रहता है तो ये अभी आपके लिए आरंभिक कक्षाएं हैं आपके एक आ, मनो उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए या फिर आप मान सकते हैं आपको एक पॉजिटिव रेन्फोर्समेंट देने के लिए अभी सरल स्वरूप में भी प्रश्नों को पूछा जा रहा है साथ साथ में यहाँ से और भी प्रश्न बन जाते हैं कि होता का कार्य क्या है तो होता का कार्य क्या है क्या है होता आवाहे देवान देवों का आवाहन करना देवों का आवाहन कौन करता है यज्ञ में यह आपका होता करता है अधभर के करता है यज्ञ क्रियाकलाप यज्ञ का सारा का सारा कार्य यह आपका अधभर्यु करता है उद्गाता मंत्रों का गान करता है मंत्रों का गान करता है और ब्रह्मा सर्वविद ब्रह्मा के रूप में ने जाना जाता है ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण करता है और यहीं से प्रश्न आपको इसी स्वरूप में पूछे जाते हैं साथियों आपको इसी तरीके से इनको याद रखना है ठीक है अब चलते हैं आगे ये तो हुआ आपका पहला प्रश्न और इस प्रश्न में इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे अगला प्रश्न है पूछा गया है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है साथ ही अगर हम आम स्वरूप में देखें तो आप सबको पता है कि एक हज़ार अट्ठाईस सूक्त हैं दस सौ तो अट्ठाईस सूक्त बनते हैं अब इसमें और अगर प्रश्न का स्वरूप बन जाए तो यहाँ पे ये बन सकता है कि ऋग्वेद की शाकल शाखा के अनुसार साकल शाखा के अनुसार ये प्रश्न बन सकता है मंत्रों की या सुक्तों की संख्या सुक्तों की संख्या कितनी है तो वो है एक हज़ार सत्रह अच्छा इससे ऊपर अगर बढ़ जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि बाष्कल शाखा के अनुसार बाष्कल शाखा के अनुसार कितने हैं तो वो हैं एक हजार पच्चीस अब देखिए जो मोस्टली हमें जो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है ये साकल शाखा के अनुसार पूछा जाता है अब यहाँ बन रहे हैं एक हज़ार सत्रह इनमें साथियों ग्यारह सुक्त जो बनते हैं ये बाल खिलय सु हैं बाल खिलयू कहा जाता है इन्हें बाल खिलयू जिनकी संख्या कितनी है ग्यारह है इनको जब काउंट कर लिया जाता है साथ में तब जाकर के एक हजार अट्ठाइस बनते हैं तो इस तरीके से आपने इनको भी याद रखना है शाकल शाखा के अनुसार कितने हैं और बाष्कल शाखा के अनुसार कितने हैं अगले प्रश्न की तरफ देखिए पूछा गया है ऋग्वेद के ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं साथियों ऋग्वेद में आठ अष्टक हैं ऋग्वेद में आठ अष्टक हैं अष्टक अर्थात संख्या आठ आठ गुणा आठ अर्थात चौसठ तो यहाँ पे चौसठ आंसर आपका सही रहेगा ठीक है जी दो मंडल हैं ऋग्वेद के दो मंडल हैं जिनको अष्टक्रम और मंडल क्रम के नाम से जाना जाता है अष्टक्रम और मंडल क्रम तो ये जो आपके अध्याय आते हैं ये अष्टक क्रम के अंतर्गत आते हैं जिसमें आठ अष्टक होते हैं इस तरीके से आपने इसे याद रखना है अगला प्रश्न पूछा गया है ईसावासी उपनिषद किस वेद से संबंधित उपनिषद है तो साथियों ईसावासी उपनिषद जो आता है ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार आपका आंसर यजुर्वेद रहेगा शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय 40वां अध्याय अगर शाखा पूछ ली जाए तो माध्यनी शाखा के अंतर्गत आता है ये भी आप याद रख लीजिएगा सत्यमेव जयते नान सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं यह वाक्य किस ग्रंथ का है साथियों यह प्रश्न अगर हम देखें तो उपनिषदों से पूछा गया है तो ये मुंडको उपनिषद के अंतर्गत आता है मुंडकोपनिषद अथर्व वेद का भाग है अथर्व वेद में आता है मुंडकोपनिषद में तीन बल्लियां हैं यहीं पर यह प्रश्न आता है मुंडकोपनिषद में परा और अपरा विद्या के बारे में बताया गया है परा अपरा विद्या के बारे में बताया गया है इसी के साथ साथ इस उपनिषद में मुंडकोपनिषद में वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यहीं पर हुआ है वेदांत शब्द का प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है कि वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है तो वो यहीं पर हुआ है मुंडकोपनिषद में अब चलते हैं आगे इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाता है तो नास्तिक दर्शन में अगर बात करें तो लोकायत दर्शन जिसे चार वाक के नाम से जाना जाता है चार वाक दर्शन नास्तिक दर्शनों की संख्या तीन है एक चार वाक, एक बौद्ध और एक जैन ये ये तीन है साथियों तो लोक दर्शन चार वाक दर्शन का ही नाम है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ पूछा गया है तत्वमसी यह महावाक्य किस उपनिषद का है तो साथियों तत्वमसी महावाक्य जो है छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत आता है ये छांदोग्य उपनिषद सामवेद का भाग है सामवेद के अंतर्गत आने वाला है इसमें पिता उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं ब्रह्म विद्या का ज्ञान और ये एक महावाक्य है सामवेद का ये भी प्रश्न आ सकता है कि सामवेद का महावाक्य क्या है तो वो तत्वम असी है इस तरीके से आपने इसे भी याद रखना है अब चलते हैं आगे पूछा गया है शुक्ल यजुर्वेद किस संप्रदाय से है तो यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं एक है आदित्य संप्रदाय और दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय आदित्य संप्रदाय ही शुक्ल यजुर्वेद है और ब्रह्म संप्रदाय जो है आदित्य इसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद तो हमसे यहाँ प्रश्न ही पूछा गया है कि शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय कौन सा है तो आदित्य संप्रदाय है क्यों ये नाम पड़ा तो सूर्य सूर्य के द्वारा ज्ञान देने के कारण और इसमें सारे मंत्रों की विनियोग इत्यादि सारी जो चार चीज़ें चाहिए होती हैं छंद ऋषि विनियोग इत्यादि स्वरूप में वो सारी की सारी चीज़ चारों की चारों चीज़ें इसमें विद्यमान रहती हैं तभी जाकर के मंत्र स्वरूप शुद्ध रहता है तभी से शुक्ल यजुर्वेद का नाम दिया गया निरुक्त के प्रणेता कौन है यास कहें पूर्व की वीडियो में इसके विषय में बता चुका हूँ आपने ये बताना है कि निरुक्त के रचयिता जो यास्क हैं इन्होंने वैदिक शब्दकोश के लिए किस ग्रंथ की रचना की है वैदिक शब्दार्थ स्वरूप में किसकी रचना की है विद्या अमृतम अशुनुते विद्या से अमृता की प्राप्ति होती है ये वाक्य कहाँ है तो साथ ही ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत आता है जिसमें अठारह मंत्र हैं उन्हीं मंत्रों में एक मंत्र आता है वहीं पर ये वाक्य दिया गया है ये भी आपने याद रखना है साथ ही आपके लिए ये सवाल भी है कि विद्यामृत उष्णुदे कहाँ का ध्येय वाक्य है ये किस संस्थान का कहाँ का ये आ, किस संस्था का ये ध्येय वाक्य है प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे ये कहाँ का ध्येय वाक्य है ये आपके लिए प्रश्न रहा हिमाचल प्रदेश में किसका ये यह ध्येय वाक्य है अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ऋग्वेद की वर्तमान उपलब्ध शाखाएं कितनी हैं पतंजलि के अनुसार बात करें पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएं हैं लेकिन वर्तमान में केवल पांच शाखाएं ही प्राप्त होती हैं कौन कौन सी हैं शाकल बाष्कल आश्वलायन आश्वलायन के बाद मांडुकायन और शाखाएं ये पांच शाखाएं पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाली शाखा शाकल शाखा है यह भी आप सबने याद रखना है अगले प्रश्न की तरफ चलिए पूछा है ऐतर्य ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है साथियों ऐतर्य ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के अंतर आता है और ऐतर्य ब्राह्मण की रचयिता महिदास है महिदास इनकी माता का नाम इतरा था ये भी आप याद रख लीजिएगा इसमें आठ पंचिकाएं हैं आठ पंचिकाए है। कुल चालीस अध्याय हैं, यह भी आप सबने याद रख लेना है ऐतर ब्राह्मण से यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एक और आता है यहाँ पे संवाद आता है राजा हरिश्चंद्र उपाख्यान आता है वह भी आप सबने याद रखना है अगले प्रश्न पूछा है ज्योतिष को वेद पुरुष का कौन सा अंग कहा गया है ज्योतिषम अयनम चक्षु ज्योतिष में अयन है उत्तरायण दक्षिणायण इत्यादि दो स्वरूप में जो लिए गए वो नेत्रों को लिया गया है वहाँ पे ठीक है इसको आपने याद रखना है अगले प्रश्न में पूछा गया ईसावासी उपनिषद ये भी आपको बताया चालीस मध्य साथ ही ये रिपीटेड प्रश्न क्यों आ रहे हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये परीक्षा में आने वाले बार बार हैं ये स्वयं कह रहे हैं कि इन्हें याद करिए क्योंकि ये परीक्षा का सरल स्वरूप होगा तो ये आप ये मान के चलिए कि नित्य प्रति आने वाले हैं और यदि कठिन स्वरूप हुआ तो ये एक सामान्य स्तर पे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं अभी कक्षाओं का आरंभिक स्वरूप है जैसे जैसे कक्षाओं का स्तर आगे बढ़ेगा आपको प्रश्न थोड़े सरल से कठिन की ओर तर चलेंगे तो ये अभी आपके अभ्यास स्वरूप को एक स्थिरता देने के लिए एक आधार बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न हैं माता भूमि पुत्रो हम प्रतिभ्या ये वाक्य कहाँ पे आता है तो साथ ही अथर्व वेद के अंतर्गत बारहवें कांड में आने वाला ये मंत्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिपीटेड प्रश्न है कई बार आ चुका है हर प्रकार की परीक्षा में चाहे आप सेट को देख लीजिए चाहे नेट की परीक्षाएं देख लीजिए चाहे कमीशन देख लीजिए या फिर टैट की परीक्षाओं को देख लीजिए वेदांग की संख्या कितनी है छः है अब ये कौन कौन से है कमेंट के माध्यम से आप बताइए पूर्व की कक्षा में भी जो आपकी पहली अभ्यास परीक्षा हुई थी वहाँ भी आपको इसके विषय में बताया गया है सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है साथियों यहाँ पे सीधा सीधा ऐतरिया ब्राह्मण ऋग्वेद से है आप इनको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं तैत कृष्ण यजुर्वेद का है आप इस तरीके से करके आप सरलता से देख सकते हैं गोपत ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण है अथर्ववेद का अथर्ववेद का और आर्षय ब्राह्मण ये सामवेद का है तो इस तरीके से आपका ये आर्शय ब्राह्मण आंसर सही रहेगा अगला प्रश्न है आप ब्राह्मणेन निष्कारण षडअंगो वेदोध्ययोगेयश्च ये वाक्य किसने कहा है ब्राह्मण को बिना किसी कारण ही छः अंग जो शिक्षा कल्प व्याकरण रुक्त छंद ज्योतिष जो वेदांग है और चार वेद हैं इन सब का बिना किसी कारण से भी अध्ययन करना चाहिए इनको क्या अर्जित करना चाहिए किसने कहा यह पतंजलि के द्वारा कहा गया महावाक्य है और ये परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वरूप में पूछा जाता है अगला प्रश्न है निरुक्तकार निरुक्तकार ने षड भाव विकार के संदर्भ में किस आचार्य का मत उद्धृत किया है निरुक्तकार था तो यास्क यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि यास्क ने किसके मत को प्रधानता दी है विकार में तो ये वारसायणी को दी है इन्होंने छह भाव बताए हैं जायते अस्ति, विपर्णमते वर्धते अपक्षीयते, अपक्षीयते के बाद आता है विनश्यति। लास्ट में विनश्यति जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है तो ये छः इन्होंने विकार बताए हैं अगले प्रश्न की तरफ देखिए बोला गया है श्रीमद् भगवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चाहे आप महाभारत देख ली चाहे गीता देख ली उनके सभी के सभी अध्यायों पर्वों के नाम आपको याद होने चाहिए तो अठारह दिन तक युद्ध चला था अठारह ही इसमें अध्याय आते हैं और महाभारत से ही लिया गया भाग है गीता जो भीषम पर्व से आती है भीषम पर्व जो महाभारत का है उसी में ही विषय आता है ये आपने याद रखना है अगले प्रश्न की तरफ बोला गया है अगला एक मंत्र है तस्माद यज्ञात सर्वहुत ऋचह समानी जगीर छंदासी जगीर तस्माद यजुस्मात अजायत पुरुष सूक्त के इस मंत्र में कितने वेदों की चर्चा की गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कमीशन में देखा जा चुका है नेट और सेट में भी ये प्रश्न देखा जा चुका है पुरुष सूक्त जिसमें सोलह मंत्र आते हैं अब यहाँ पूछा गया है कि इस मंत्र में कितने वेदों का वर्णन हुआ है तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको यजू दिख दिखने को मिल रहा है रिच देखने को मिल रहा है समान्य देखने को मिल रहा है ऋच रीच अर्थात ऋचा नाम समूह इति ऋग्वेद तो एक तो यहाँ पे ऋग्वेद का वर्णन है साम अर्थात सामवेद का वर्णन है यजु अर्थात यजुर्वेद का वर्णन है तो इन तीनों का यहाँ पे वर्णन आया है इस तरीके से तीन आंसर सही रहेगा वेद त्रय के तीनों के तीनों का ही यहाँ पे वर्णन आया है अब यहाँ पे पूछा गया है तैतीर्य आरण्यक में कितने अपरपाठक हैं साथियों तैतीर्य आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेद का भाग है और इस आरण्य में दस प्रपाठक आते हैं रिपीटेड प्रश्न है नेट में भी सेट में भी ये देखने को मिला है और कमीशन में भी अगला प्रश्न है आ ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्मवर्चसी जायताम ये वैदिक प्रार्थना किस वेद की है साथ ही उस वैदिक राष्ट्रगान भी कहा जाता है इसे ये भी आप सबने याद रखना है वैदिक राष्ट्रगान कहाँ पे है तो ये आता है आपका यजुर्वेद में यजुर्वेद में कहा आता है बाईसवा अध्याय बाईसवा जो अध्याय है उसका ये बाईसवा मंत्र है ये बाईसवा मंत्र है ये भी आप सबने याद रखना है अगले प्रश्न की तरफ चलिए अगले में पूछा गया है संस्कृत में लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य कौन सा है तो साथियों प्रथम लौकिक काव्य जिसको आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है ये प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है आदि काव्य तो आदि काव्य आप सबको पता ही है रामायण है और ये भी पूछा जा सकता है कि आदि कवि कौन है संस्कृत के लौकिक साहित्य के आदि कवि कौन है तो आप सबको पता ही है वाल्मीकि तो इस तरीके से रामायण अगले प्रश्न की तरफ चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कालिदास द्वारा लिखित तो नाटकों की संख्या है कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं साथियों कालिदास के तीन नाटक हैं कुल सात रचनाओं को माना जाता है इनकी कालिदास की कुल सात रचनाएं हैं उनमें से तीन नाटक हैं कौन कौन से हैं मालविकाग्निमित्र मालविकाग्निमित्र विक्रमोर वर्षयम विक्रमोर वर्षयम और अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम ये ये तीन रचनाएं हैं नाटक स्वरूप में इनकी अगले प्रश्न की तरफ देखिए पूछा गया है बुद्ध चरित किस कवि की रचना है साथियों बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है ये एक ऐसे कवि हुए जो संस्कृत के साथ साथ पाली प्राकृत भाषा के ऊपर भी इनका बड़ी अच्छी पकड़ थी इनकी अगले प्रश्न पूछा गया है शिशुपालबद में सर्गों की संख्या कितनी है सर्ग है ये सर्गों की संख्या कितनी है तो आपने इसमें याद रखना है ये बृहद त्रेय में आने वाली रचना है सबसे पहली बात बृहद त्रेय में आने वाली रचना है जिसके लिए एक सूत्र है किशन किशन का अर्थ है किरात अर्जुनियम किरातार्जुनियम स से है शिशुपालब्ध और नौ से है नैषधीय चरित्र नैषधीय चरित्र ये जो किरात आर्जुनियम है इसमें है अठारह सर्ग शिशुपालवध में है बीस सर्ग और नैषधीय चरित्र में है बाईस सर्ग तो इस तरीके से यहां पे बीस आंसर इसका सही रहेगा इस तरीके से आपने इसे याद रखना है अगले प्रश्न पूछा गया है कश्मीन वेदे गायत्री छंद से सर्वाधिक प्रयोगों अभावत अब यहाँ पूछे किस वेद में गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है अब आपको बता दिया जाए यहाँ पे छंद के स्वरूप में छंद दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं वैदिक एक होते हैं लौकिक वैदिक छंदों में सात छंद छंदांसी कहलाते हैं और जो चौदह छंद आते हैं वो अति छंदांशी आते हैं लौकिक छंद जो हम साहित्य में प्रयोग करते हैं अब इन छंदांशी के अंतर्गत आने वाले सात छंद हैं गायत्री ऊषणिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप और जगति ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयोग से जो किया जाने वाला छंद है वो है त्रिष्टुप छंद सबसे ज्यादा त्रिष्टुप फिर आता है आपका जगति फिर आता है आपका गायत्री और वेदों में सर्वाधिक प्रयोग में अगर बात करें तो ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक है और यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो पूछा गया है कि गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है तो ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है यह भी आपने याद रखना है अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है सामवेद के प्रथम भाष्यकार कौन थे सामवेद से प्रथम भाष्यकार कह तो आप सबने रखना है महिधर और उवट ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद के हैं शुक्ल यजुर्वेद में ये दोनों है भाव स्वामी जो है ये कृष्ण युर्वेद के हैं ये कृष्ण युर्वेद के हैं माधव जो आते हैं ये सामवेद में आते हैं यहां पे प्रश्न के अनुसार इसका सामवेद आंसर सही रहेगा अगला प्रश्न है पूछा गया है एक काठक कपिष्ठल कट कपिष्ठल इत्यादि है कस्य वेद से शाखा अस्ति शाखा अस्ति कि एक कट शाखा और एक कपिस्टल कट शाखा ये किस वेद में आती है तो ये यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाली है तो इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन सही रहेगा तो ये अगर बात करें अभी तक के प्रश्नों में तो आज के अभ्यास परीक्षा में हमने इतने ही प्रश्न हल करने थे साथ ही जो आपके लिए बीच बीच में प्रश्न पूछे गए हैं उनको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और यह भी सुनिश्चित करवाएं कि आपको ये अभ्यास परीक्षा जो अभी आपकी यहाँ पे एच संस्कृत के माध्यम से चल रही है ये अभ्यास परीक्षा आपको किस स्तर की ठीक लगी अर्थात आप इसके संदर्भ में कोई अपने आपके कोई विचार हों कि इसमें सर आप इस तरीके से थोड़ा सा और विषय को बताइए अर्थात या फिर इसमें आप किस स्वरूप में प्रश्नों को देखना चाहते हैं अपनी राय जरूर दें यदि आपको ये स्वरूप सही लग रहा है परीक्षा के स्वरूप में जो प्रश्न आपको अभ्यास रूप में करवाए जा रहे हैं तब भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो हिमाचल में आने वाले टैट कमीशन नेट और सेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर नमो नमोनमा साथियों